ये क्या करेंगे सर, हम लोग आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह करने से आप लोग का वही चाहिए सरकार को, सरकार को वही चाहिए, दिखना चाहिए सरकार को, और क्या कर सकते हैं। इतना मतलब शिक्षा विभाग खेल खेल रही है, जब हमको निकालना ही था तो हम लोग को रखा क्यों। देखिए सर, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम लोग को खदेड़ खदेड़ के मारा गया है। ये देखिए, रुपया भी पेमेंट नहीं मिला है जो है। कितने साल का जॉब? 5 साल का जॉब है, 5 साल में 3 महीना में हम लोग को निष्कासित कर दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। देश चुनावी दौर से गुजर रहा है, उस बीच बिहार में जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले कंप्यूटर शिक्षक हैं उन्हें सरकार ने हटाने का फैसला लिया है। अब जो कंप्यूटर शिक्षक हैं वे सरकार के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। हमारे साथ कुछ कंप्यूटर शिक्षक हैं, उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या कारण रहा सरकार आप लोग को हटा रही है? क्या कारण रहेगा सर, कारण क्या रहेगा? हम लोग को छः साल के लिए रखा गया था, 6 महीना में हटा दिया, अब क्या कारण रहेगा? सीएम आवास गए तो हम लोग को खदेड़ खदेड़ के मारा गया सर। आप लोग को वीडियो चाहिए तो हम दिखा देते हैं। देखिए सर, हम लोग को खदेड़ खदेड़ के मारा गया है पूरी तरह से, ये देखिए। और इतना मतलब शिक्षा विभाग खेल खेल रही है, जब हमको निकालना ही था तो हम लोग को रखा क्यों। देखिए सर, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम लोग को खदेड़ खदेड़ के मारा गया है, ये देखिए सर, पूरा लाल कर दिया है यहाँ पे। देखिए सर, पूरा मार के लाल कर दिया उसने। तो आगे क्या सीएम किस चीज़ के लिए है, सीएम किस चीज़ के लिए है बताइए। आप 6 साल बोल के रखते हैं और 6 महीना में हटा देते हैं, अब क्या चीज़ का सीएम है सरकार, क्या चीज़ के लिए है? वो हमारी नहीं सुनेगी, किसके सुनेगी? आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे सर, हम लोग आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह करने से आप लोग का वही चाहिए सरकार को, सरकार को वही चाहिए, दिखना चाहिए सरकार को, और क्या कर सकते हैं। चुनाव है, वोट करेंगे ना? वोट नहीं, नोटा सर, नोटा, नोटा छोड़ के और कुछ नहीं दबाएंगे, और दूसरे को भी बोलेंगे नोटा पे दबाएंगे, नोटा पे, नोटा पे दबाएंगे। और भी जो कंप्यूटर शिक्षक है हमारे साथ हैं, साकिर सरकार आप लोग को क्यों हटा रही है? हम लोग को बीपीएससी से कंप्यूटर टीचर जो आए हुए हैं उनके अति योग्यता दे करके हम लोग को हटाया जा रहा है। कि जितने भी आईसीटी इंस्पेक्टर हैं, जितने भी वो मॉडल से जितने भी आईसीटी इंस्पेक्टर हैं उन लोग का अति दे करके हटाया जा रहा है। या फिर क्या है, वहाँ पर जितने भी आईसीटी इंस्पेक्टर हैं सब कंप्यूटर टीचर हैं, वहाँ पे वही काम करेंगे, जितने भी आईसीटी इंस्पेक्टर हैं सबको साइड कर दिया जाए। यही हम लोग मात्र 3 महीना हुआ है, जिसके कारण से पेमेंट तक भी नहीं मिला है। पेमेंट भी नहीं मिला? नहीं, 3 महीना से अपना घर से जा रहे हैं, अपना आ रहे हैं, लेकिन पेमेंट मिला था? पहले भी नहीं मिला है, एक रुपया भी पेमेंट नहीं मिला है जो है। कितने साल का जॉब? 5 साल का जॉब है, 5 साल में 3 महीना में हम लोग को निष्कासित कर दिया जा रहा है। 3 महीना, 3 से 6 महीना, मेरा तो 3 महीना हुआ है, बहुत 6 महीना है, मिनिमम 3 महीना बहुत लोग का है। 3 महीना में जिनको जनवरी में ज्वाइन किया, 3 महीना से ज्वाइन किया, हम जनवरी में ज्वाइन किया तो 3 महीना ही हुआ ना। आखिर क्या कारण रह रहा है कि सरकार आप लोगों को हटा रही है? सरकार के सर करैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा जो लेटर निकाला गया है बीपीएससी ट्री 2 के तरह कंप्यूटर टीचर के जो बहाली हुई थी उसके वजह से अब लिखा गया है कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर को कार्य से मुक्त कर दिया जाए 31 तारीख को। तो हम लोग को कार्य से मुक्त कर दिया, इसलिए हम लोग रोड पर आ गए हैं। सरकार बोलते हैं कि हम लोग को रोजगार देते हैं, मगर नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो रोजगार नहीं देते, बेरोजगार करते हैं। जितने भी आज हम लोग का घर दर दर के भटक रहा है बेरोजगारी के कारण, अगले जो चुनाव है 2024 और 2025 में हम लोग जिस तरह से वो अपने पार्टी को टिकट देते हैं, उस तरह से जितने भी मेरे बिहार में आईसीटी इंस्ट्रक्टर है अपने गाड़ी बांध बांध के उस पर माइक लगा के गांव गांव प्रचार कर देंगे, जदयू और बीजेपी को वोट नहीं दो, क्योंकि हमारे देश के नौजवान युवाओं के साथ यही तरह के खिलवाड़ करेंगे आउटसोर्सिंग और सोर्सिंग की तरह से। तो आपने सुना, हमारे साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले कंप्यूटर शिक्षक थे जिन्हें सरकार सेवा से मुक्त कर दी है, उसके खिलाफ में ये लोग बीजेपी और जेडीयू को वोट न देने के लोगों से अपील भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।